नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। मणिपुर में हुए भूस्खलन में शहीद हुए 3 भारतीय सेना के जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज दी गई अंतिम विदाई। मणिपुर के नोनी जिले में भूस्खलन में अपनी जान गंवाने वाले 3 भारतीय सेना के जवानों के शवों को आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर लाया गया था, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवानों को अंतिम विदाई दी गई। आज मणिपुर से सेना के विशेष विमान से दार्जिलिंग के विक्रम सारकी, बागडोगरा के संजय ओरा और बिहार के शुभम कुमार सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया था, जहां सेना वाहिनी के उच्च अधिकारियों समेत सिलीगुड़ी के महाकमाशासक, दार्जिलिंग जिले के विधायक नीरज जिम्बा समेत राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां बाद में जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना किया गया। तो सुबह में तो हर दिन करता है 7 बजे तरफ, नाश्ता किया कि नहीं तो उस दिन नहीं किया, तो मैं रिटर्न कॉल की तो स्विच ऑफ बताया, तो बाद में शायद कर लेगा फोन खोल के। मैं ऐसे ही रह गई दिन भर, तो ऐसे करीब 11 बजे तरफ उसका ऑफिस से फ़ोन आता है और कहते हैं कि रात में जो स्लाइडिंग हुआ उसमें बहुत सारे जवान मिसिंग है और उसमें से आपका पति संजय ओरा भी मिसिंग है बोल के बताया गया। लास्ट का बात हुआ था बुधवार रात 9:30 बजे तरफ। क्या बोला था? नहीं, बुधवार बस ऐसे। एक बार फिर सिलीगुड़ी के निकट सुकना में बड़ा सड़क हादसा। चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 युवकों ने गंवाई अपनी जान। एक बार फिर सिलीगुड़ी के निकट सुकना में एक भयावहक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रविवार को सिलीगुड़ी के पास सुकना में इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान प्रशांत विश्वकर्मा और अमन रॉय के रूप में हुई है। दोनों बागडोगरा के रहने वाले थे। प्रशांत और अमन बाइक की सवारी के लिए दोस्तों के साथ निकले थे। दोनों रोंगटोंग से एक ही बाइक से सिलीगुड़ी की ओर लौट रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही एक 4-पहिया यात्री कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक से गिरकर सड़क किनारे गिर पड़े और बताया जा रहा है कि दोनों की तत्काल ही मृत्यु हो गई थी। इस बीच उक्त घातक वाहन मौके से फरार बताया जा रहा है। इसी दौरान इस घटना की जानकारी तत्काल सुकना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से दोनों शवों को उद्धार कर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उक्त घातक कार को जब्त कर लिया है, जहां पुलिस पूरे हादसे की जाँच कर रही है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने मणिपुर के नोनी जिले में हुए भूस्खलन इलाके का किया जायजा। अभी भी चल रहा है राहत और बचाव कार्य, सेना के जवानों का बढ़ाया मनोबल। वहीं मणिपुर सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मणिपुर के नोनी जिले में विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आने से भारतीय सेना के कई जवानों ने अपनी जान गंवाई और वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं गोरखा राइफल्स के लगभग 11 से ज्यादा जवान शहीद बताए गए हैं। इसी क्रम में दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने उक्त भूस्खलन क्षेत्र का दौरा किया और राहत बचाव कार्य में जुटे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। वहीं घायल जवानों से मिलने IGAR साउथ हेडक्वार्टर्स आर्मी हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर सरकार के द्वारा मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है और CM एन वीरेन सिंह ने बताया कि वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायल हुए जवानों को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मैं दार्जिलिंग का सांसद, मुझे दुख तकलीफ इस बात का है कि यहाँ पे जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान लगे थे उसमें से ज़्यादातर 43 जवान यहाँ पे मौजूद थे, अफसर और JCO मिला करके, और उसमें से ज़्यादातर लोग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के थे और वो सब लोग जो है अमर रहे और उन्होंने देश के लिए सेवा करते हुए उन्होंने अपनी
सर्वोच्च बलिदान दिया है और मैं इतना कह सकता हूँ। प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। देश भर में 1 जुलाई से प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी सिलीगुड़ी के कई बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। शहर में प्रतिबंधित कैरी बैग्स के उपयोग को पूरी तरीके से रोकने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने रविवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया। रविवार की सुबह सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर सिलीगुड़ी के महत्वपूर्ण बाजार विधान मार्केट की सब्जी मंडियों में पहुंचकर अभियान चलाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यापारियों को सतर्क करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स को भी जब्त किया। इस बीच बताया जा रहा है कि कई व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस बीच डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर भविष्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं किया जाता है तो व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। এবং আপনার থার্মোকল জাত সমস্ত দ্রব্যাদি যেগুলো হানিকারক আমাদের সমাজের জন্য সেটা ব্যান করা আছে। 1 জুলাই থেকে পুরো রাজ্য জুড়ে প্লাস্টিক ব্যান হয়েছে। আপনারা জানেন যে এখানে হিমালয় পর্বতের পদদেশ তরাই দুয়ার এটা আমাদের কাছে একটা পর্যটনের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। এখানে প্রচুর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসছে। এই বর্ষার সময় পর্যটকে ভরা আমাদের এই শহর, আমাদের পাহাড় সমতল ডুয়ার্স। আমরা চাই আমাদের মানুষ 52 किलो गांजा के साथ कंटेनर को किया गया जब्त। दो गिरफ्तार, कूचबिहार से बिहार की जा रही थी इसकी तस्करी। सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की एनजीपी थाने की पुलिस ने 52 किलो गांजा से लदे 6 पहिए वाले कंटेनर को जब्त किया, जहां इसकी तलाशी ली गई और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। वहीं वाहन के चालक व खलासी को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर फुलबाड़ी के आईएमधीगी के एक लाइन होटल से एक कंटेनर को जब्त किया गया। कंटेनर में चालक की सीट और आसपास के स्थानों से 52 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार वाहन के चालक सुनील कुमार और खलासी बाबू बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि बाबू कूचबिहार का रहने वाला। वहीं पुलिस ने कंटेनर को हरियाणा नंबर प्लेट के साथ जब्त किया। पूछताछ में पता चला कि गांजा के पैकेट्स कूचबिहार से बिहार ले जाया जा रहा था। दोनों तस्कर लंबे समय से गांजा तस्करी में सम्मिलित थे। वहीं इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिलने के बाद अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव और पंचायत स्तरीय परिषद में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को नक्सलबाड़ी के मनीराम ज्योत ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले उत्तर दयाराम ज्योत, दक्षिण दयाराम और नेहाल ज्योत इलाके में विजय रैली का आयोजन किया गया था, जहां उक्त रैली चुनाव करल से शुरू होकर पूरे इलाके की परिक्रमा कर विजयी प्रत्याशियों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया। इस बीच इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के विजय उम्मीदवार गौतम घोष, सुजीत मंडल समेत पार्टी के शीर्ष नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। मुनिराम ग्राम पंचायत एकक संख्या कोरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस आदमी जी की बोलबेन मुनिराम अंचल 18টা সংসদ 12টা সংসদই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং আমরা মুনিরাম অঞ্চল ভোট করতে চলেছি। সরকারি নিয়ম অনুসারে নোটিফিকেশন হয়ে যে ডেট দিবে সেই ডেটের অপেক্ষায় আমরা অপেক্ষা করছি। আর বিজয় মিছিল প্রচুর সমর্থ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ₹1 करोड़ 6 रुपया शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023
813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हियर। ये एक टीकूड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है, स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ सीएनसी डोर विद 3D डिजाइन। Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts, located at Parnami Mandir Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबेट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशन्स ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BS इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी, 100% प्लेस मेड के साथ। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2000 रुपीज फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग। यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. करोड़ों रुपयों के बरमटिक सागवन की लकड़ी के साथ तस्कर गिरफ्तार। आसाम से पूर्वोत्तर भारत से उत्तर बंगाल के रास्ते आंध्र प्रदेश की जा रही थी लकड़ी की तस्करी।
वन विभाग ने बांस की आड़ में करोड़ों रुपयों की बर्माटिक सागवन की लकड़ी तस्करी से पहले अभियान चलाकर लकड़ियों को जब्त कर लिया। वन विभाग ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रायगंज वन विभाग ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहार से लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त किया। सूत्रों के अनुसार देर रात रायगंज से सिलीगुड़ी मोड़ पर वन विभाग के कर्मचारी घात लगाकर अभियान चला रहे थे, जहां दौरान हरियाणा के नंबर प्लेट वाले एक ट्रक को बांस से ले जाते हुए देख वन विभाग के कर्मचारियों ने उक्त ट्रक को रोका, जहां तलाशी के दौरान बांस की आड़ में 81 बरमटिक सागवन की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। वहीं तत्काल वन विभाग ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और इस बीच बताया गया कि उक्त बरमटिक सागवन की लकड़ी को आसाम से पूर्वोत्तर भारत से उत्तर बंगाल के रास्ते आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस बीच रायगंज संभागीय वन अधिकारी कमल सरकार ने बताया कि उक्त जब्त लकड़ी की बाजारी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं आज उक्त आरोपी चालक को अदालत में पेश किया गया है। वहीं घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुरस्कार धारणा रखते किंतु होते पारे এটা কোনো ভাবে হয়তো সিপেজ হয়ে এসেছে, আমরা সেটাকে চেষ্টা করব। কোথায় পাচার হতে যাচ্ছিল কি ধারণা? অ্যাকচুয়ালি আমি বাম্বুর কাগজটা দেখলাম, তাতে লেখা আছে যে আন্ধ্রপ্রদেশের কার্নালে এটা একটা ডেলিভারি হওয়ার কথা ছিল। সাপোজ এটা এদিকেই কোথাও যাবো। স্যার এটা কি সিনেমা? এটা একটা ট্রান্সপোর্ট রেগুলার হয় নর্থ ইস্ট থেকে, সেটাকে একটা মিন্স হিসেবে ব্যবহার করে এর ভেতরে কাঠ পাচার করা হচ্ছিল। আমরা অবশ্যই যদি এরকম ইনফরমেশন থাকে আমরা সবসময় আছি, আগামী দিনেও আমরা এটাকে বলতে পারব। হ্যাঁ, একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আমরা অলরেডি তাকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার জন্য চালান পাঠিয়েছি। ICFAI বিশ্ববিদ্যালয় সিকিম কে স্কুল অফ লিগাল স্টাডিজ নে न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ एक छात्र इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया था, जहां इस सत्र के आयोजन में विश्वविद्यालय सिक्किम के कुलपति डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक लीगल स्टडीज के अंतिम वर्ष के छात्र भी उपस्थित रहे थे। इस दौरान ICFAI विश्वविद्यालय सिक्किम के कुलपति डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक ने विश्वविद्यालय के कानूनी अध्ययन स्कूल और कानूनी संख्याओं पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का एक स्नैपशॉट भी प्रदान किया, जो वर्तमान में भूटान के सम्मानित सरकारी विभागों में कानूनी अधिकारी, कानून मैजिस्ट्री लॉ फार्म दिल्ली, मणिपुर विश्वविद्यालय के विधि अधिकार, सिक्किम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जिला न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। इस बीच न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने इस इंटरैक्शन सत्र में छात्रों के साथ अपने सुझाव और चर्चाएं की, जहां उन्होंने संपन्न अधिवक्ता बनने और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के बारे में चर्चा परिचर्चे की, जहां उन्होंने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के अपने अनुभव को भी व्यक्त किया था। बंगाल विभाजन की साजिश के खिलाफ बंगाल पक्ष नामक संगठन के द्वारा सिलीगुड़ी में निकाली गई रैली। बंगाल विभाजन की साजिश के खिलाफ बंगला पक्ष नामक संगठन के सदस्यों ने रविवार को सिलीगुड़ी में एक रैली निकाली। रैली रविवार दोपहर को सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ इलाके से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में संगठन के युवाओं के साथ साथ संगठन के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। ये सभी बंगाल को विभाजित करने की साजिश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए रैली थाना मोड़, वेनस मोड़ होते हुए पानीटंकी मोड़ इलाके में पहुंचकर समाप्त हुई। इस बीच संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं, इसे किसी भी सूरत में पूरा होने नहीं दिया जाएगा। बांग्ला के भाग करा जाबे ना, बांग्ला एक थाकबे। এই যে বাংলা ভাগ করার যে চক্রান্ত চলছে, পরিকল্পনা চলছে, সেটাকে ভেস্তে দিতে এবং নির্মূল করতে যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদেরকে নির্মূল করতে আমরা এসেছি, গর্জন শোনাতে এসেছি। আর যেন এই কথা না আসে, বাংলা একটাই থাকবে। শিলিগুড়িও যা, হাওড়াও তা, হুগলিও যা, সুন্দরবনও তা, জলপাইগুড়ি যা, আজকে পণ্যগড়ও তা, এই জায়গায় আমরা এই কথাটাই বলতে এসেছি, বাংলা একটাই। এই বাংলার আজকে আমরা কম্পন শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, আবার কাঁপাতে এসেছি এই মাটি। সুতরাং এই আন্দোলন চলবে যতদিন না এই বক্তব্য থেকে তারা সরে আসে। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে রায়গঞ্জ মে করোনা সে মহিলা কি মৌত, স্বাস্থ্য বিভাগ মে মচা হড়কম্প। করোনা ভাইরাস কা সংক্রমণ অব ধীরে ধীরে দেশ ভর কে সাথ সাথ পশ্চিম বঙ্গাল মে ভি পায়ের পাসার রহা হে। ইস বীচ করোনা সে মরিজো কে
मौत की भी खबर सामने आ रही है। इस क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज में कोविड से संक्रमित एक गृहिणी की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहार के निवासी बताई जा रही है। 28 जून को उक्त गृहिणी को सर्दी और सांस लेने में तकलीफ के साथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई थी और उस बीच आज रविवार को उक्त गृहिणी की मौत हो गई है। मोहिदुर रहमान जे मारा है तार नाम पारबीना खातुन की है अपना भागनी होवे की भावे मारा की होय छिलो ओ होय छिलो श्वासकष्ट একটু হয়ে ছিল আর পেটটা জ্বলে জ্বলে যাচ্ছিল সেই নিয়ে 28 তারিখে আমরা মেডিসিনে ভর্তি করি সুপারে তারপরে সুপারে ভর্তি করে দুই দিন থাকার পরে 30 তারিখে আমাদের কোভিডে ঢুকাই দিল কোভিডে ঢুকার পরে আজকে আমরা জানছি যে করোনা পেশেন্ট কোভিড হয়েছে পজিটিভ হয়েছে। कर्ज के बोझ से दबे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी शहर के निकट फुलबाड़ी में कर्ज के बोझ से दबे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार को फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पश्चिमी धनतला क्षेत्र की। जानकारी अनुसार 40 वर्षीय हबीबुर रहमान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार हबीबुर इस्लाम ने विभिन्न निजी कंपनियों से कर्ज लिया था और कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाने के कारण कई दिनों से वह तनाव में था। इधर घर का बिजली बिल करीब 2 साल से बकाया था, जो अब करीब 20,000 रुपये हो गए थे। कर्ज की किस्त नहीं चुका पाने के कारण वह मानसिक तनाव से जूझ रहा था। रविवार की सुबह घर के लोगों ने उसके बेडरूम से उसका फंदे से लटकता शव देखा। इधर यह खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं NGP थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। চাপে না দিয়ে চা খাইছে। তারপরে ওইদিকে মাঠার মোড়ে ওদিকে গেলো, আমি আসতেছি, ও যাচ্ছে, তা যাচ্ছে, আমি ডাকলাম চ বাড়ি চলে বলে যা। আমি शहीद दिवस को सफल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। कूचबिहार से कोलकाता जाएंगे 1500 तृणमूल कार्यकर्ता। 21 जुलाई को शहीद दिवस को सफल बनाने के लिए कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कूचबिहार के ब्लॉक नंबर 1 के घोघुमारी से ही साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली का आयोजन घोघुमारी से दीवानहाट तक किया गया है। साइकिल रैली में करीब 500 लोगों ने शिरकत की। साइकिल रैली का नेतृत्व कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पार्थ प्रथम रॉय ने किया। इस अवसर पर पार्थ प्रथम रॉय ने कहा कि शहीद दिवस के दिन 21 जुलाई को कूचबिहार से 15,000 लोग कोलकाता पहुंचेंगे। 21 जुलाई शहीद दिवस को सफल बनाने के लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न धरने कर्मसूची हमें जिला जुड़े नहीं प्रस्तुति मीटिंग चलते, सभा समिति चलते, पथसभा चलते। हमारा साइकेल मिशिलों की बेस किचु आयोजन कर आज के प्राथमिक पर्याय घुघुमारी थे देवानहाट पर्त प्राय 5 শতাধিক সাইকেল নিয়ে কর্মীদের নিয়ে আমরা একটা র্যালি করব। এই র্যালি থেকে দুটো বার্তা আমরা দিতে চাই। এক, সকলে মিলে ধর্মতলা শহীদ সমাবেশের নেত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে আহ্বান, এবং একই সঙ্গে যেভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তারও একটা প্রতিবাদ এবং সম্প্রীতি ঐক্যের। सिलीगुड़ी संलग्न माटीगरा निश्चिंतपुर चाय बगान क्षेत्र में इनरविल क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण एवं सिलीगुड़ी मेडिक्स के संयुक्त तत्वावधान में चाय श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां बच्चों से लेकर बड़े सभी उम्र के लोगों ने अपना जांच करवाया और दवाइयां भी उन्हें दी गई। स्वास्थ्य जांच के साथ साथ लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की भी गुजारिश की गई। समाज से इकट्ठा करके समाज के उस वर्ग में हेल्प करने की कोशिश करते हैं जहाँ हमारी ज़रूरत हो। तो इस बार हमारा जैसे है कि हम मेडिकल क्षेत्र में देखें कि बहुत कमी है काम की। हमारी सरकार ने जैसे ना कपड़ा, मकान और राशन, इसकी ज़रूरत थी। जहाँ भी हम गए देखे पूरा हो गया है। अब जहाँ तक रह गया मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम बाकी है। जहाँ भी जो भी क्षेत्र में हम गए, इस बार हमने इनरविल ने एक दायित्व उठाया है कि हम हर वो क्षेत्र में जाने की कोशिश, आसपास सिलीगुड़ी के जितने आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहाँ मेडिकल कैंप्स करेंगे और दवाइयाँ भी प्रदान करेंगे, साथ में वहाँ कोई अगर बीमारी निकलती है तो वो बीमारी को हम इलाज कराने की कोशिश करेंगे, चाहे लेडीज़ में हो चाहे बच्चों, हमारा फोकस लेडीज़ और बच्चे रहेंगे। जैसे एनीमिया के पेशेंट्स होंगे, कैंसर के पेशेंट अगर निकल आते हैं, तो जहाँ तक हमारा जहाँ संभव है जहाँ तक हम अपना इलाज कराने की उनकी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। एडमिशंस ओपन। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ए लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन इन गैंगटॉक, सिक्किम। Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 83272725252. 83272729. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Production, Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियर, घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड।